तुम्हारी समस्या का हल। मैडम जी मैं तो दुखी आ रही हो रहा हूँ। अरे क्या हुआ? पानी मंगवाऊं? मैडम जी हमारा पति ना हमें बहुत तंग कर रहा है। ये तो अच्छी बात है, ये तंग करेंगे तभी तो मेरा बिजनेस चलेगा। नहीं नहीं मैं कह रही थी अब तू सही जगह आ गई है, अब तू समझ तेरी सारी समस्याएं छू मंतर। अच्छा हमारी शादी पर चलेगी 100%। अच्छा न्यू बता थारे 20 केस है। मैं 1 घंटे का 10,000 लेती हूँ। 10,000 रुपए 1 घंटे का? यो तो बहुत ज्यादा है। चल कोई ना हमारा काम तो हो जाएगा ना। हाँ हाँ अब तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। ये ले 10,000 की गड्डी। चल अब बता क्या कहता है तेरा पति? मैडम जी एक बात हो तो बताऊ ना, वो तो ऊपर से नीचे तक बुराइयों का पुतला है। तेरा तो बड़ा मुश्किल केस लगता है, इसमें देसी तरीका नहीं चलेगा, मुझे इंटरनेशनल तरीका अपनाना पड़ेगा। वो कैसे? बताती हूँ बताती हूँ। चल फिर शुरू करें इंटरनेशनल तरीका। हाँ शुरू कर। तू ऐसा कर अपने पति के बारे में कोई बहुत अच्छी बात बोल। उस गधे में कोई अच्छी बात होंगी तो मैं यहाँ क्यों कराती? अरे तेरे को बताया है ना कि अमेरिका में इस इंटरनेशनल तरीके पे बड़ी रिसर्च हुई है, मैं अमेरिका से ही तो इसकी पढ़ाई करके आई हूँ। चल बैठ जा। तू ना झूठ मूठ ही बोल दे अपने पति के की तारीफ में कोई बढ़िया बात। कोई ना चलो बोलती हूँ। नास पिटा हमारा पति ना गोरा चिट्टा लंबा ऊंचा, वो क्या कमी है ना बड़ा हैंडसम है। अच्छा तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तुझे पता है मेरा पति तो काला कलूटा मिठिया, अगर रात को उसकी शक्ल देख लेगी ना तो डर जाएगी। वो तो गड़े दुख की बात है और क्या। चल अब तू दूसरी बात बोल अपने पति की तारीफ में। नहीं नहीं अब मैं उस घनचक्कर के बारे में और बढ़ाई ना कर सकूं। पर ये तो करना पड़ेगा, तूने अपनी शादी बचानी है कि नहीं? हाँ शादी तो बचानी से है। चल फिर सोचन दे, झूठ बोलन खातिर भी तो सोचना पड़े है ना। हमारा पति ना हमें ना हमसे बड़े प्यार से बात करे है। आय हाय क्या किस्मत लेके पैदा हुई है दी तू। मेरे पति को तो प्यार किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं, वो तो सारा दिन मुझे खाने को दौड़ता है। मन ने तो थारे से मैडम जी अब दर्दी होने लग गई, थारा पति तो घना बुरा से और क्या। चल अब तू बैठ जा। अब ना तू कोई तीसरी बात बोल अपने पति की तारीफ में। मन ने तो लगे है तू मैंने बेवकूफ बना ली से, जब मैं कह रही हूँ मारा मैं अपने पति से घनी तंग आ रही हूँ, तू है कि उसके तारीफे की मारती जा रही है। ये डंडा देखा है ना, मैंने बताया ना कि मैंने 50,00,000 रुपए खर्चे हैं ये तरीका सीखने में। चल बोल जल्दी। ठीक है बोलती हूँ। कितना झूठ बुलवाएगी कितना झूठ। मैडम जी हमारा पति ना रोज हमें ना एक नई गिफ्ट, वो क्या के गिफ्ट दे रहे गिफ्ट। आए मैं मर जावा, मुझे तो अब तुझसे जलन होने लगी है।
मेरे पति ने तो आज तक मुझे एक चवन्नी की गिफ्ट नहीं दी, वो तो बल्कि मेरे से पैसे धरवा लेता है। तू मुझे एक बात बता, थारे अपने पति से तो बड़े ना, तू दूसरों की शादियां बचवाती फिर रही है। चल चल बैठ अब यहाँ पे। अगर मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब तीसरी बार बोल दे अपने पति की तारीफ में, फिर बाकी तारीफें हम अगले सेशन में करेंगे। क्या एक बार फिर से 10,000 रुपए लेवेगी मुझसे? हर से बड़ी फ्रॉड मैंने आज तक ना देखी। चल पैसे वापिस कर, पैसे वापिस कर, पैसे वापिस कर, तो इतना मैं वो क्या कम है ना, कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगी। कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। अरे कंज्यूमर कोर्ट में तो मेरे खिलाफ 10 केस लगे हैं, लेकिन मेरा बेटा है ना जो, वो कंज्यूमर कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है, वो मेरे सारे केस छुड़वा लेता है। गरम जली, मेरे पैसे वापस कर। ये बना मैं महिला मंडल में जाऊंगी, मैं थारे को सबक सिखा के रहूंगी चुड़ैल। अरे महिला मंडल वाली तो मेरी किट्टी की फ्रेंड्स हैं, वो तो तेरी शिकायत दर्ज नहीं करेंगी। थारी ऐसी की तैसी, पैसे पैसे वापस कर, पैसे वापस, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर। इसने तो मन्ने कहीं का नहीं छोड़ दिया, इवन मैं तलाक का केस दर्ज करूंगी। बिल्कुल मतलब ना, मैं पिछले 20 साल से अपने तलाक का केस लड़ रही हूँ, अभी तक निपटारा नहीं हुआ। क्या तू अपना तलाक करा रही है और दूसरों की शादियां बचा रही है? थारे से बड़े धोखेबाज मैंने आज सुन ली। चल मैं जरा दस्तरी गड्डी, दस्तरी गड्डी दे, दस्तरी गड्डी दे। इब मैं के करूं, कहां जाऊं, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा। तो इब मैं फिर इस गधे के साथ ही रह लेती हूं। मैंने तो सही गधा पकड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था